हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CIIT कॉलेज। गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल मैंने आपको पेज मेकर के बारे में बताया था कि पेज मेकर में कैसे वर्क किया जाता है, मतलब उसके मैंने आपको कुछ टूल्स के बारे में बताया था। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट अपन क्या करेंगे, पेज मेकर को अपन ने क्या कर लिया है। तो पेज मेकर को ओपन करने के लिए पहले तो पेज पेज लेना है, जिसमें भी साइज में आपको चाहिए। मैंने आपको कल इन टूल्स के बारे में बताया था कि कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मेरे को न्यू पेज चाहिए, अब न्यू अपन क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ से अपने को यदि लेटर में चाहिए, यदि आज इसमें आपको को टॉल में चाहिए, विड में चाहिए, अपन उसमें क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तब देखिए ये पेज चेंज होगा, जैसे कि और भी पेज लेकर देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से यदि आपको पेज चाहिए वो अपने को A3 चाहिए तो और विड वाइड में जाइए, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो मतलब अपना ये देखिए पेज चेंज हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी साइज में आपको पेज चाहिए वो पेज अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे इसी के फाइल मेन्यू में अपना नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो है ओपन। ओपन किस लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे कि कोई भी फाइल है आपकी पहले से क्या की हुई, सेव की हुई, अब उस फाइल को आप क्या करना चाहते हैं, ओपन करके देखना चाहते हैं। अभी तो अपन ने कोई फाइल बनाई नहीं है, यदि कोई फाइल बनाते हैं और ओपन करके देखना है तो इस ऑप्शन से अपन उसे क्लिक कर अपन पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लोज में रहता है यदि मैटर से क्लोज जाना है, तो यहाँ से अपन क्लोज देखिए वो हट चुका है। नेक्स्ट रहता है अपना सेव। सेव जो रहता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपने बनाकर तैयार किए, जैसे कार्ड बनाया या विजिटिंग कार्ड बनाया, तो अपन सेव पर क्लिक करेंगे और जिस भी नाम से आपको सेव करना है उससे आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेवस ऑप्शन रहता है अपना कि जो पहले जो फाइल बनाई है अब उस फाइल को आप किसी और अदर नाम से सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, जैसे कि आपने कोई मैटर टाइप किया, ये अपना जो रहता है ये रहता है अपना कंट्रोल पैनल। क्या रहता है कंट्रोल पैनल, मान लीजिए मैंने कंट्रोल पैनल को हटा दिया है, अब इस कंट्रोल पैनल को आपको अगेन चाहिए, तो कंट्रोल पैनल को अगेन लाने के लिए आप क्या करेंगे कि व्यू ऑप्शंस पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, व्यू ऑप्शंस पर। तो यहाँ से अपने को देखिए, जैसे कि इन ऑप्शंस में आपको कहीं दिख रहा है कि कंट्रोल पैनल कहाँ पर है, तो यहाँ से अपन जैसे कि अपने अगर रूलर नहीं है या फिर कंट्रोल पैनल नहीं है, तो अपन कंट्रोल पैनल चाहिए तो कंट्रोल पैनल ला सकते हैं, रूलर को चाहिए तो रूलर, जैसे कि जो भी चीज़ हाइड है अपन उस स्क्रीन पर अगेन ला सकते हैं। जैसे कि देखिए अपना टाइप में दिया गया है कौन सा फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, साइज कितना लेना है साइज ले सकते हैं, टाइप स्टाइल को चेंज करना है इटैलिक में चाहिए तो वो भी अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये ऑप्शंस रहता है फिल की, अपने को कौन सा कलर है इसमें, जैसे कि कोई भी ये पेपर सॉलिड में दिख रहा है तो जिसमें भी आपको चाहिए अपन यहाँ से ले सकते हैं। टेक्स्ट ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट ब्रेक ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ से जो भी टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर आप टेक्स्ट में ले सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि अपने को जूम इन करना है जूम आउट करना है तो वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए अपना यहाँ से जी देखिए रूलर हाइड हो गया, अपन ने कह दिया रूलर हट चुका है, अब रूलर को आपको क्या लाना है, अगेन लाना है। रूलर को अगेन लाने के लिए क्या करेंगे, शो ऑप्शंस पर दिया है कि शो रूलर पर क्लिक करेंगे, देखिए ये अपना रूलर दिखने लगा है, ठीक है। आ रहा समझ में आपको कि इस तरीके से अपन अब यहाँ से रूलर को ले सकते हैं। यदि रूलर को हाइड करना है तो हाइड कर देंगे और लेना है तो अपन यहाँ से उसको ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना कंट्रोल पैनल के बारे में, तो आपने ये ऑप्शंस दिख रहा है अपने को, विंडो पर जाएंगे, विंडो से आपको इस ऑप्शंस पर शो कंट्रोल पैलेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, शो कंट्रोल पैलेट ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया, देखिए अपना कंट्रोल पैलेट नीचे आ गया है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कोई टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से अपन ने इसे मैंने अपने कॉलेज के नाम लिख दिया CIIT कॉलेज, ये देखिए लिख दिया ये। अब जैसे कि इसका फॉन्ट अपने को बड़ा, कंट्रोल पैनल का यूज़ अधिकतर देखिए किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कंट्रोल पैनल का यूज रहता है जिसमें फॉन्ट साइज चेंज करना हो। देखिए ये फॉन्ट साइज अपना चेंज हो रहा है, इतना बड़ा अपने से यहाँ से अपने इसमें चेंज कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए आप अपन उसमें क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। देखिए अपना इतना ले लिया अपन, ये रहता है अपना लैंग्वेज चेंज करने की कि किस लैंग्वेज में आपको ये सिलेक्ट करना है, जिस भी लैंग्वेज में आपको ये रखना है वो लैंग्वेज अपन यहाँ इसमें रख सकते हैं। आ रहा समझ में आपको,
कि ये अपने ये देखिए चेंज हो गया। लैंग्वेज चेंज करना है तो अपन यहाँ से उसमें चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल का इसलिए किया जाता है जैसे कि अब आपको कोई कलर वगैरह रखना है, क्या रखना है, कलर वगैरह में अपने को चेंज करना है। अब कलर में यदि आपको चेंज करना है तो उसके लिए अपने को कौन सा ऑप्शन चाहिए रहेगा कि कलर्स का ऑप्शन चाहिए पड़ेगा। तो जैसे कि इस ऑप्शन से अपन विंडो पर जाएंगे, विंडो से अपना दिया शो कलर, तो शो कलर आ गया अपना। अब शो कलर में अपन क्या करेंगे, पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर पहले अपन चूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कलर को चूज कर लेंगे। तो यहाँ से अपन क्या किया, कलर को चूज कर लिया, कलर चेंज हो गया अपना। अदरवाइज जो भी कलर आपको चाहिए पहले अपन मैटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्या कर लिया सिलेक्ट, तो अपना क्या होगा कलर चेंज हो जाएगा। अब मैटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपने को कोई कलर फिल करना है तो अपन यहाँ से ये लाइन चाहिए आपको, लाइन भी ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ से अपन चेंज कर लेंगे। बॉर्डर में चाहिए इस टाइप से, आप जो भी स्टाइल वगैरह चेंज करना, कलर चेंज करना है तो अपन जैसे कि ये स्टाइल में दिया है बॉडी टेक्स्ट करना हो या फिर कैप्शंस में हैंगिंग इंडेंट करना हो, साइडेड में है तो हेडलाइंस का यूज़ भी अपन यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। कलर लेना अपन सबसे पहले कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अपन मैटर को सिलेक्ट करते हैं। मैटर को सिलेक्ट करने के बाद कलर चेंज अपन यहाँ से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि आपको कोई सर्कल, जैसे कि अब इसको सिलेक्ट किया, अब इसको आपको किस टाइप में लिखना है तो यहाँ से वो भी आप उसे चेंज कर सकते हैं कि चेंजेस हो रहा है अपना, तो ये चेंज करने के लिए अपन ये यूजेस कर लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ आपको ये इस तरीके से। अब हैंड जो ऑप्शन रहता है, मैंने कल आपको बताया था कि आपको कहाँ पर रखना है, हैंड टेल का यूज़ अपन यहाँ से इसलिए किया जाता है। ये बताया था मैंने आपको कि ये कोई मैटर, आप सबसे फर्स्ट अपने विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो अपने को इस लाइन की ज़रूरत पड़ती। अब ये लाइन चेंज करने की, जैसे कि आपको स्ट्रोक चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रोक में आपको बोल्ट चाहिए तो बोल्ट स्ट्रोक ले लेंगे। अब बोल्ट स्ट्रोक में यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो बोल्ट स्ट्रोक में आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कलर लेना है तो देखिए ये फिल कलर हो गया। अब ये फिल पर ऑप्शन, इसलिए कलर फिल, अपने को लाइनिंग ही चाहिए ओनली, तो अपन यहाँ से ये देखिए पूरा हो गया ये, इस तरीके से अपन यहाँ से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं जी कि अब ये ऑप्शन अपन ने यहाँ पर लिखा था टेक्स्ट पेज में, तो इसको क्या कर देंगे अपन सेलेक्ट करने, सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसके अंदर रखा है तो अपना ये क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है देखिए, क्योंकि इसके पीछे है ये अपना, तो अपन इसमें इसको चेंज कर सकते हैं। तो अपने को ये भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसमें आगे शो रहता है, तो ये चेंजेस कर सकते हैं। अपने को सर्कल में रखना है तो सर्कल में देखिए इस तरीके से अपने सर्कल को अपने को क्या करना है, बढ़ाना है तो सर्कल को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। पहले क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए अपन इसको सिलेक्ट करते हैं, क्या कर सिलेक्ट, अब इस सर्कल का आपको कितना रखना है ये अपने ऊपर है, डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरीके से अपन इसमें चेंज ये हो जाएगा अपना, जूम करके देखना तो जूम हो जाएगा। आना समझ में आपको कि किस तरीके से अपने ये वीडियोज़ मतलब अपना ये मैटर अपन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, बाकी क्लास में आपको कुछ विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाकर बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और टूल्स के बारे में भी बताऊंगी आपको। आई होप की वीडियोस आपको पसंद आई होगी, यदि ये कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपको जो भी डाउट्स रहेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके क्लियर कर दूँगी। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।